नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये समझाने के लिए कि भारत में अपने देश में कंप्लेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाता है। गंभीर कंप्लेंट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ भ्रष्टाचार से रिलेटेड कंप्लेंट हैं। करीब 2 महीने पहले मुझे किसी ने, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए, उन्होंने मुझे भेजे। वो RTI रिस्पॉन्सेस थे और उनको पढ़ के ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि एक IIT के डायरेक्टर ने कई लोगों के चयन में फेवरेटिज्म किया है, नियमों को ताक पे रखते हुए उन लोगों को अपॉइंट किया गया है। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया कि एक कंप्लेंट तैयार की और उस कंप्लेंट को मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि IITs के विजिटर होते हैं, किसी भी IIT के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन और उस IIT के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, उनकी अनुमति जरूरी होती है और उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। तो उनको मैंने भेजा, वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा सकते हैं अगर उनको ये पावर है, वो किसी भी कमेटी से, वो जो भी कमेटी चाहे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा सकते हैं कंप्लेंट्स वगैरह के। तो उनको किया, उसके अलावा मैंने CVC को किया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को किया, उसके अलावा मैंने MHRD और IIT काउंसिल के चेयरमैन को किया, जो कि HRD मिनिस्टर होते हैं, और चौथा मैंने CBI को किया। अब देखिए क्या होता है, पहले 3 काम बताता हूँ कैसे ये लोग एड्रेस करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट के यहाँ कंप्लेन किया था वो कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी जाती है MHRD को, ये कहते हुए कि अब आप इसको देखिए, हमें रिपोर्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अब वो MHRD करें या ना करें, क्योंकि रिपोर्ट जब भेजने की ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब अब इनकी अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट प्रेसिडेंट के लिए नहीं रही, प्रेसिडेंट अब ये नहीं, उनका ऑफिस चेक नहीं करेगा कि इन्होंने किया कि नहीं किया। अच्छा, CBC ने क्या किया, CBC ने अपना कंप्लेंट, जो कंप्लेंट किया था, इसको फॉरवर्ड कर दिया CBO ऑफ MHRD को, ये कहते हुए कि आप अपने एंड पे देख लीजिए, हमें रिपोर्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ भी अभी करें ना करें, CBC को इससे लेना देना नहीं है। तो एक MHRD के यहाँ पहले से था, दोनों बाकी होके MHRD के ही आ गए। MHRD ने फिर क्या किया उस कंप्लेंट का, उस कंप्लेंट को उस IIT के डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर दिया, ये कहते हुए कि आप कंप्लेनेंट को रिप्लाई भेज दीजिए। जैसे कि मेरा ये रिप्लाई के लिए था, ये तो कंप्लेंट था जिसमें कार्रवाई की मांग हो रही है कि भाई आप जांच कराएं और दोषी हैं, दोषी पाए जाते हैं तो जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। एटलीस्ट जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रथम दृष्टिया ये इंगित करते हैं कि चयन में गड़बड़ी हुई है, उसमें जो है नियमों को ताक पर रखते हुए अपने जान पहचान के लोगों को, जिनसे आपके रिलेशन है पास्ट में, अपने कुलीग के स्टूडेंट वगैरह, उनके लिए आपने नियमों को तोड़ते हुए उनको आपने नियुक्ति दी है। अब क्या होता है, तो ये 3 जो है अब आ गए। अब सोचिए कि जो एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दिया है, वो कंप्लेंट का जवाब मुझे देगा। मतलब कि कंप्लेंट का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो गलत कर रहा है वो क्यों मानेगा उसने गलत किया है। इनफैक्ट मेरी आइडेंटिटी भी वहाँ रिवील हो गई, मतलब कि कंप्लेंट का कोई रिड्रेसल नहीं हुआ, रादर जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर आपने खतरा बढ़ा दिया। अच्छा, CBC का देखिए, काफ़ी समय हो गया तो मैंने RTI की कि भाई मेरे कंप्लेंट का क्या हुआ, क्या चल रहा है। तो वहाँ पे बता दिया सेक्शन 24 ऑफ RTI एक्ट के तहत हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब कंप्लेनेंट को ये भी नहीं बताएंगे कि उसकी कंप्लेंट का क्या होगा, RTI करने पर जवाब भी नहीं देंगे। तो ये 2 महीने का स्टेटस है अभी तक ये हुआ है। इसको कंपेयर करिए काफिल खान के केस से, यहाँ बिल्कुल जो है करप्शन का मामला है टॉप अथॉरिटीज़ का, और उस पर कोई कार्रवाई करने की इच्छुक ही नहीं है, सब यहाँ वहाँ करके, और अल्टीमेटली वही आदमी जिसके ऊपर आरोप है वो उसको जो है उसका जवाब देगा।
और आप ये देखिए कि ये सीधे सीधे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन है, ये नहीं किया जाना चाहिए, नहीं हो सकता। अगर सोचिए इतना घुमा फिरा के यही होता तो मैं डायरेक्टर को एक ईमेल लिख देता, लेटर लिख देता कि भाई कुछ क्वेरी पूछ लेता, ये बात क्वेरी की है ही नहीं। अब इसका कंपेयर करिए काफिल खान के केस से। उनके केस में क्या होता है, वो एक स्पीच देते हैं, उस स्पीच देने के महीने दो महीने बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि भाई ये भड़काऊ भाषण दे दिया इन्होंने, 200 दिन जेल में रहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भाई इस स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं कि इसको भड़काऊ कहा जा सके। तो आप ये देखिए, क्यों मैं कह रहा हूँ कि सरकारों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि देखिए अगर इस केस में एक तरफ एक आदमी को कैसे भी करके पकड़ा जा रहा है, निकाले जा रहे हैं कोई गलती निकल जाए, और एक दूसरे केस में जब दी जा रही है, जब क्राइम रिपोर्ट की जा रही है तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए अगर इस तरह के कंप्लेंट को आप ऐसे दबाएंगे और कहेंगे कि हमें विश्व गुरु बनना है, हमें ये है वो है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं चौकीदार हूँ, और दूसरी तरफ जो है आपके जो 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 मंत्रालय हैं उनके जो मंत्री हैं जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका ये रवैया कि वो एड्रेस ही नहीं करते कंप्लेंट को। आखिर जब आप एड्रेस नहीं करेंगे तो लोग कंप्लेंट भी नहीं करेंगे, वो एक अलग हरासमेंट है। कंप्लेंट कोई डॉक्यूमेंट इकट्ठा करता है, ये करता है, कंप्लेंट लिखना कोई छोटी बात नहीं, आप उसको मेहनत करनी पड़ती, समय देना पड़ता है। इतना करने के बाद ये लोगों का ये रवैया रहता है कि यार तुम बेवकूफ़ थे, तुमने इतनी मेहनत क्यों की, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। जो कंप्लेनेंट है वही विक्टिमाइज हो जाता है। तो ये हमारे देश में इसको हमें बदलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ही रहेगा तो कहीं ना कहीं कोई मतलब ही नहीं होगा। गलतियां जो कर रहा है, जो गड़बड़ी कर रहा है, जो करप्शन कर रहा है, वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, और जो कंप्लेनेंट है उसको हरास किया जाएगा। तो ऐसे में कोई कंप्लेंट क्यों करेगा, क्या मिल रहा उसे? जैसे मेरा उस कंप्लेंट मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ तो है नहीं, किसका अपॉइंटमेंट हुआ नहीं हुआ, जनता का पैसा वो बर्बाद हो रहा है। सही जो कैंडिडेट है उनका चयन होने के बजाय जान पहचान वालों को दी जा रही है। इस तरह गंभीर मामलों का कंप्लेन करने के, और कंप्लेन भी कहाँ किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसी जगह है जिनको अथॉरिटी दी गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, MHRD, CBI, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कुछ किया जा सकता है बेहतर तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। बाकी क्योंकि मैं ये जो देख रहा हूँ ये कोई बहुत होप नहीं दिखाता, इनफैक्ट जो दिखाता है वो एक बहुत ही वैसी पिक्चर, निगेटिव पिक्चर क्रिएट करता है जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है किसी बात का कोई मतलब ही नहीं, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो लोग और जिनका अनुभव है, जिन्होंने सक्सेस जिनको मिली है, या उनको लगता है कि ये चीज़ें और बेहतर तरीके से की जा सकती हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताएं कि और क्या क्या किया जा सकता है इन मामलों में। और ये तो है ही कि जैसे मैंने कहा कि जो सरकारों का रवैया है, जब काफिल खान को पकड़ना है तो आप कैसे भी उसमें कमियां खोज रहे हैं, और एक तरफ जब आपको कागजात दिए जा रहे हैं तो आप कार्रवाई नहीं करना चाहते। और जनता से भी मेरा ये आग्रह है कि जब ऐसी बातें आप सुनें तो उसमें कहीं नहीं कमेंट करें, अपना जो है रोष जाहिर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को इस बात से तो लेना देना है कि लोग क्या सोचते हैं। तो आप दिखाइए कि इस तरह की चीज़ों से आप प्रसन्न नहीं हैं, इस तरह से नहीं चलना चाहिए। अगर कोई कंप्लेन आते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम बनाना चाहिए कि ऐसे आए ऐसे आए ऐसे उसको आप एड्रेस करें उस कंप्लेंट को, ताकि समुचित कार्रवाई हो सके, ताकि जो लोग इस तरह से गड़बड़ी कर रहे हैं उनको डर पैदा हो। अभी तो क्या है कि ऐसे जो है जो 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 मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे क्या डर पैदा होगा,
जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, आप जो भी गड़बड़ी करना है कर कर रहे हैं, आपको किसी को जवाब ही नहीं देना है, वो ये भी नहीं करेंगे तुम मुझे जवाब दो, कह रहे हैं कंप्लेनेंट को जवाब दे दो। क्या जवाब दिया, नहीं दिया, उससे क्या लेन देन, और मुझे जवाब देने से कौन सा जो है कोई मामला हो जाएगा, ये सवाल मेरा थोड़े ही है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।